चलचित्र अभियान में आप सबका स्वागत है फिर से। हम अभी भी शब्बीरपुर गांव में हैं, जहां अभी भी भूख हड़ताल चल रही है। कुछ देर पहले पुलिस ने भूख हड़ताल तोड़ने के लिए लोगों से बात करी और उनको कन्विंस करने की कोशिश करी कि वो उस हड़ताल को तोड़ दें। और चलचित्र अभियान के भी कैमरा पर्सन और साउंड पर्सन को पुलिस ने ज़बरदस्ती अभी थोड़ी देर पहले उनको डिटेन किया। हमारा कैमरा भी छीनने की कोशिश करी और कैमरा कॉन्फिस्केट किया, लेकिन सब वापस हो गया है। लेकिन बहरहाल ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि अभी जहाँ पर हम बैठे हैं, मैं आपको अभी अगर दिखाऊं, शब्बीरपुर के लोग जो सब अभी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, यहीं बाहर रविदास मंदिर पर बैठे हुए हैं। अपनी भूख हड़ताल इनकी अभी भी जारी है और बहुत सर्दी है यहाँ, बहुत धुंध है, बहुत सर्दी है, इसके बावजूद भी सब लोग यहाँ बैठे हैं। प्रशासन से अभी भी कोई भी बात करने के लिए नहीं आया है शब्बीरपुर। आइए दो मिनट यहाँ जो लोग बैठे हैं इनसे अभी आगे का क्या इरादा है इसके बारे में बात करते हैं। क्या इरादा है, क्या आप लोग अभी भी भूख हड़ताल अपनी जारी रखेंगे, क्या सोचा है आप लोगों ने? बिल्कुल जी, हम जब तक भूख हड़ताल जारी रखेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, जिसलिए हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं। रासुका का कार्रवाई, NSA कार्रवाई, ये हमारे आदमी मतलब दलित समाज के लोगों से नहीं हट जाती। जैसे चंद्रशेखर भाई, शिव कुमार प्रधान, सोनू भाई, इनसे ये कार्रवाई जो इन्होंने अपराध किया ही नहीं उस पर इनको रासुका लगाई गई है। ये रासुका वाली कार्रवाई जब तक वापस नहीं होती जब तक हम नहीं उठेंगे, चाहे हमारी जान निकल जाए। यहाँ महिलाएं क्या सोच रही हैं, क्या आप लोग भी क्या बैठे रहेंगे आप लोग भूख हड़ताल पर? महिलाएं हाँ जी भूख हड़ताल पर रहेंगे। इतना मेरे आदमी और मैं ये भी बता दूं कि देश भर से कई लोगों ने इनको कांटेक्ट किया है, फोन किया है और बोला है कि हमारा समर्थन आपके पास है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? इसका कहना, हमारा ये कहना है कि हमारे समर्थन में, हमारा दलित समाज कोई भी हमारे समर्थन में आ सकता है और इस समर्थन आना भी बहुत जरूरी है। रिक्वेस्ट है हमारे अपने दलित समाज से, सभी से। जैसे आपने देखा कि इरादे अभी भी बुलंद हैं और भूख हड़ताल जारी रखने का इरादा इनका अभी भी बुलंद है और लोगों से समर्थन की भी इन्होंने अनुरोध किया है। खैर, कल सुबह हम फिर से शब्बीरपुर से आपको इस भूख हड़ताल के बारे में खबरें लाते रहेंगे। एक बार फिर से आप देखें, यहीं पर ही जो लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं अभी यहीं सोने भी वाले हैं बाहर, और आप अगर इस तरफ देखेंगे कई सारे छोटे बच्चे भी यहाँ अपनी माओं, अपने घर वालों के साथ उनके समर्थन में यहाँ बैठे हैं। उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द आकर यहाँ पर कोई बातचीत शुरू करेंगे और कोई समाधान निकालेंगे। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी यहीं शब्बीरपुर में। आप जुड़े रहें चलचित्र अभियान के साथ।